अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ये जो वीडियो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपने आजकल इंस्टाग्राम के रील्स पे या कि आप टिकटॉक अगर यूज़ करते हो तो आपने ये बहुत से मतलब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मतलब एक ऐसे बेबी का फेस है या फिर कोई भी ऐसे एक फेस है वो अपने आप AI के थ्रू अपने आप वो मतलब 3D एनिमेट हो रहा है, मतलब हिल विल रहा है। तो इसको कैसे बनाते हैं तो ये मैं आपको इस आज वीडियो में बता दूँगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा जो है, जो मैं दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे प्ले स्टोर पे ओपन करके आपको यहाँ पे मग लाइफ करके सर्च करना है। तो आप मग लाइफ सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये एक इमोजी फेस जैसा एक उसका आइकॉन है। ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसका नॉर्मल उसका जो हर ऐप का रहता है लॉगिन एज अ गेस्ट वगैरह वो सब आपको ओके करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद वहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको पूछेगा कि पेमेंट करना, पेमेंट करने के लिए आपको बोलेगा, लेकिन आपको इसे पेमेंट नहीं करना, फ्री में यूज़ करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो एप्लीकेशन आपको बंद कर देना है, बैकग्राउंड से भी उसको हटा देना है, फिर से एप्लीकेशन ओपन करना है, फिर यहाँ से वो पेमेंट का ऑप्शन मतलब चला जाता है तब तक के लिए। तो पेमेंट आप करोगे तो उसका क्या प्रीमियम फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, ये मग लाइफ जो एप्लीकेशन है वो ओपन करना है। ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके पास जो भी एक फ़ोटो है तो वो फ़ोटो को अगर आपको ऐसे एनिमेट करना है तो वो फ़ोटो आपका एक सेल्फी होना चाहिए। सेल्फी मतलब उसमें आपका फेस जो है वो ठीक तरीके से कवर होना चाहिए, फेस ठीक तरीके से दिखना चाहिए, नहीं तो ये फिर ये मतलब ठीक से हो नहीं पाएगा, मतलब ये बराबर नहीं दिखेगा। आपका जो फेस है उसके सामने मतलब बराबर पूरा फेस दिखना चाहिए। तो अभी मैं आपको एक करके बता दूँ। तो ये मैंने एप्लीकेशन ओपन किया, इसके बाद यहाँ पे आप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ऊपर एक फ़ोटो का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टैप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब आपका एकदम कैमरे के सामने अगर फेस होगा तो इसका एकदम बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट आएगा, अगर साइड फेस होगा तो भी आएगा लेकिन इतना नहीं आएगा। और लेकिन ऐसा कुछ पिक होगा जिसमें आप कैप हैट वगैरह पहने और स्पेक्स वगैरह लगाए और साइड में देख रहे हो तो उसका मतलब ठीक से वो हो नहीं पाएगा एनिमेट। तो उसके लिए क्या आप क्या यहाँ पे दो ऑप्शन है, कैमरा का, कैमरा रोल का, आप डायरेक्ट अपना सेल्फी निकाल के भी कर सकते हो या कैमरा रोल पे आपने जो पुराने सेल्फी है उससे भी आप ये कर सकते हो। तो मैं तो अभी कैमरा रोल यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा गैलरी ओपन करने था, हाँ तो गैलरी ओपन करके यहाँ पे मैंने ये अक्षय कुमार का एक फ़ोटो ऑलरेडी मैंने एक सेव करके रखा था तो वो मैं अभी फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैंने अक्षय कुमार का एक फ़ोटो यहाँ पे डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ था, हाँ ये मैंने अक्षय कुमार का एक फ़ोटो डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये फ़ोटो आपको वहाँ से ओपन करना है। ये फ़ोटो आप ओपन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे बहुत से ऑलरेडी फ़िल्टर दिए हुए हैं, यहाँ पे मोर करोगे तो यहाँ पे बहुत और भी फ़िल्टर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी एक फ़िल्टर पे आपको टैप करना है, जैसे अभी ये डोनाल्ड ट्रंप का है तो इसके ऊपर टैप करोगे तो ये अक्षय कुमार का जो इमेज है वो वैसे ही मतलब डोनाल्ड ट्रंप का इमेज जैसे नीचे मूव हो रहा है वैसे होगा। यहाँ पे और भी है जैसे कि अभी ये मैं जोकर का कर रहा हूँ तो ये जोकर के जैसे मतलब ये मूव वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये अगर ये बुड्ढा जैसे कर रहा है वैसे ही ये भी कर रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी मतलब यहाँ से जो फिल्टर है वो यूज़ करके यहाँ पे आप आपके जो इमेज और सेल्फी रहेगा उसके अप्लाई कर सकते हो या कोई भी आप दूसरा इमेज लेके उस पर अप्लाई कर सकते हो। ये हो जाने के बाद अगर आपको ये सेव करना है तो यहाँ पे ऊपर देखो ये शेयर के बाजू में एक डिस्क जैसा ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि ये मतलब पब्लिक और ये आप करोगे तो ये जो एप्लीकेशन है मग लाइफ इसके ऊपर ये एज ए इंस्टाग्राम का जैसा पोस्ट रहता है वैसे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आपको मोबाइल में सेव करना है तो यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे आपको टैप करना है। सेव के ऑप्शन पे आप जैसे टैप करोगे तो यहाँ पे ये जो मतलब यहाँ पे कुछ आपका ये अभी आप मैं सेकेंड टाइम कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कुछ
ये कर लो, मतलब यूज़र नेम वगैरह दे दो। ये आप फर्स्ट टाइम जब करोगे तो ये आपको ऐसे जैसे कुछ पूछेगा नहीं। तो इसके बाद आपको क्या यहाँ पे एक्सपोर्ट एज ऑप्शन मिलेगा कि GIF में एक्सपोर्ट करना है, टेक्स्ट मैसेज, फोटो या अवतार या फिर वीडियो में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो आप मोस्टली वीडियो में ही कर लो, क्योंकि आप वीडियो में करोगे तो उसको बाद में बैकग्राउंड में म्यूज़िक वगैरह ऐड करके उसका एक वीडियो रील जैसा बना सकते हो। तो वीडियो लुक पे आप एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। ये एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आपको शेयर का ऑप्शन आएगा, तो इसको आपको क्या सिंपली कैंसिल करना है। उसके बाद ये आपके कैमरा रोल में सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको ये एप्लीकेशन मिनिमाइज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गैलरी में ओपन करके यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपने जो ये एक्सपोर्ट किया था ये यहाँ पे, वैसे ये वीडियो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। तो इस पे अगर आपको कुछ मतलब और भी साउंड्स वगैरह ऐड करना है तो आप यहाँ पे आके उसमें साउंड ऐड, मतलब आपके जो भी आपके पास एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उसमें आप आके ये साउंड वगैरह इसके पीछे ऐड करके उसका एक रील या एक फ़नी वीडियो वगैरह ऐसा बना सकते हो। तो ये मतलब एक तरीका था, इससे आप ये जो ट्रेंडिंग में जो फेस का जो चल रहा है, मतलब ट्रेंड में चल रहा है जो फेस मूव होने वाला वीडियो बनाते हैं सब लोग बना रहे, तो इस तरीके से आप ये वीडियो बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।